था, ये अच्छे खासी पैकेजिंग के साथ आया था, एक येलो कलर की कुर्ती। इंस्टाग्राम पे ना श्रद्धा कपूर को पहने हुए देखा था। मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे पिंक कलर से मुझे लगता है प्यार हो चुका है। सो हेलो एवरीवन, आई एम नसरीन एंड वेलकम टू माय चैनल नशु व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। तो आज मैं काफी दिनों के बाद हाजिर हूँ आपके साथ एक और मीशो हॉल वीडियो लेके। जी हाँ, आज की जो वीडियो होने वाली है वो शॉर्ट कुर्ती पे होने वाली है। तो मैंने 5 से 6 कुर्तियाँ मंगाई हैं, शॉर्ट कुर्तियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। होल वीडियो का इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा क्रेज़ होता है ना, मेरी होल वीडियो जितने भी मैंने अभी तक डाली है बहुत अच्छे व्यूज़ में गई हैं। तो मुझे होल वीडियो वैसे भी बहुत पसंद आती है क्योंकि मुझे मन होता है नए नए कपड़े पहन के ट्राई करने का। तो अभी तक जो भी मैंने कपड़े मंगाए हैं वो मैंने ट्राई करके देख लिए हैं, पहनने के बाद उसका लुक किस तरह से आ रहा है वो मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखाती रहूंगी। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट शॉर्ट कुर्ती यहाँ से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट है ये व्हाइट कुर्ता, ये मैंने पहन के देख लिया था, ये अच्छे खासी पैकेजिंग के साथ आया था। बाकी तो आप ओवरऑल लुक इसका वीडियो में देखना कि वीडियो में पहनने के बाद कैसा लग रहा है। ये देखो इस तरह का, ज्यादा भी लॉन्ग नहीं है, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है। और इसमें का आपने अगर देखा हो तो मेरे पास एक ब्लैक कलर का कुर्ता था, मैंने सेम इसी का एक व्हाइट कलर का मंगाया क्योंकि इतना ज्यादा प्यारा लग रहा था ना, और पहनने के बाद भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। और आगे भी इन्होंने वी जो इसका शेप का जो नेक है ना वो तो इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है, और ऊपर इन्होंने थोड़ा सा मोतियों से इसको डेकोर कर रखा है। इसका आपको साइज भी और इसका फैब्रिक कौन सा है और सेकंड ये इसका मतलब प्राइस क्या है वो भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है। बाकी ये ओवरऑल लुक प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल ठीक लगा है। तो सेकंड है ये, ठीक है, और इसको भी मैंने ट्राई ऑन करके देख लिया था, इसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आया था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक येलो कलर की कुर्ती, ठीक है, और जिसपे जो है ना शायद ये प्रिंटेड जो हुआ है, प्रिंट हुआ हुआ है, ये ब्लू और गोल्डन कलर में हुआ है जिससे बहुत प्यारा लग रहा है ये, ठीक है। देखो आप इसका लुक, ठीक है, और ये पहनने के बाद इतना ज़्यादा प्यारी लग रही है ना, इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और अब इसके साथ इसको जीन्स के साथ वेयर करो या फिर पैंट के साथ वेयर करो या फिर जैसे चाहो वेयर करो, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था स्टाइल आपका होता है, आप जैसे पहन सकते हो, आप उसको जो आपको अच्छा लगे वो आपको करो। पास से भी आप इसको देख सकते हो और ओवरऑल लुक पहनने के बाद इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था। बाकी तो आप वीडियो में देख ही रहोगे कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और सभी कुर्तियों के प्राइस, साइज और जो इनका फैब्रिक है वो मेंशन कर दूंगी, ठीक है। और इसकी काफ़ी लेंथ है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल शॉर्ट है, ऐसा नहीं है, शॉर्ट हुई है, बिल्कुल सही है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो कोई भी कुर्ती है इसमें आपको कोई पॉकेट नहीं मिलेगी जैसे कि आप सोचो कि पॉकेट है। तो नेक्स्ट दिखाती हूँ जल्दी से। तो नेक्स्ट है ये एक पिंक कलर का मतलब कुर्ती आप बोल सकते हो, फ्रॉक भी बोल सकते हो, इसका स्टाइल जो है ना फ्रॉक की तरह है थोड़ा थोड़ा सा। इसको मैंने किस लिए मंगाया, मैंने जो है ना अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे ना श्रद्धा कपूर को पहने हुए देखा था इस तरह का एक फ्रॉक, तो बड़ा प्यारा लग रहा था उनके ऊपर, लेकिन थोड़ा सा उनका मतलब कपड़ा और थोड़ा सा डिजाइन अलग था बट स्टाइल यही था। तो आप इसका देखो मतलब इस तरह कितना प्यारा लग रहा था ना, ये पहनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा प्यारा लग रहा था। और नीचे उन्होंने जिस तरह से इसको देखो, इसकी यहाँ पे जो उन्होंने बेल लगाई हुई है ना, ये रुई वाली जैसे कॉटन वाली होती है, तो उससे ज़्यादा बहुत प्यारा लग रहा है। बाकी ये इसकी डिटेलिंग देखो आप, और आप इसको एथनिक जो ज्वेलरीज होती है ना झुमकियाँ उनके साथ पहनोगे ना तो इसका लुक बहुत ज़्यादा प्यारा आने वाला है। और ये ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, ठीक है, मैंने पहन के दिखा दिया, बाकी तो आपको पता ही चल जाएगा किस स्टाइल करने के बाद ही किस तरह की लग रही। और आपको मैं बताऊँ आज मैं बैठ के शूट कर रही हूँ वीडियो क्योंकि मेरी टांगों में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ बैठ के शूट कर लेती हूँ। तो आपको बैठ के ही बता रही हूँ, मैं वीडियो पहले से ही बना ली थी ताकि आपको ओवरऑल लुक इसका दिखाई दे जाए। तो नेक्स्ट है गाइज, ये भी एक पिंक कलर का मतलब इस टाइम पे जो है ना, पहले मुझे येलो पसंद आ रहा था और अब मैंने ना पिंक येलो येलो मतलब पिंक पिंक में जो है ना पिंक कलर में बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है, मुझे लगता है ये थोड़ा मतलब डार्क पिंक है। और ये भी इस तरह का जो भी मैंने दिखाया ना आपको इस तरह का एक फ्रॉक है, बट ये जो फोटो में दिखा रहे थे ना वो थोड़ा सा मेहरून रेड कलर का दिखा रहे थे, और ये मुझे पिंक कलर का रिसीव हुआ है, बट भी बात नहीं, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था पहनने के बाद, बस थोड़ा सा ये हुआ कि कलर डिफरेंट आ गया, ठीक है। और ये जो है ना इन्होंने यहाँ पर ये तनी बांधने के लिए दी हुई है, ये बन जाएंगी दोनों साइडों में, ये आपको तनी मिलेंगी, ठीक है। और इसका आप नेक देखो, और नीचे से ना सेम इसी का भी उसी की तरह है, इन्होंने येलो कलर में ये इसको जो रुई की तरह मैं बता रही थी अभी बहुत लगाए हुए हैं, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। और कपड़ा भी एकदम बहुत अच्छा है, बस ये है कि इनका कलर ना निकले ना, तो ये बेस्ट है मेरे लिए, तो ये बेस्ट है। ये शॉर्ट कुर्ती आप अपने कॉलेज में पहन के जाओ, लाइक आप इसको ऑफिस जाना चाहते हो तो ऑफिस में पहन के जा सकते हो, क्योंकि ऐसे ना ठंडे ठंडे मतलब कपड़े ना मुझे इतने ज़्यादा पर्सनली पसंद हैं, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा लाइट वेट कपड़े पहनना पसंद करती हूँ, ना कि छड़क भड़क एकदम, मेरे से ना बस कैरी ही नहीं होते हैं ऐसी चीज़ें।
तो मैं ना ऐसे हल्के हल्के कपड़े पहनना पसंद करती हूँ, तो ये मेरे लिए और आपके लिए भी, अगर आपको इसी तरह के कपड़े पसंद है तो आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट दिखाती हूँ। मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे पिंक कलर से मुझे लगता है प्यार हो चुका है, या फिर मीशो को मुझे लगता है कि पिंक कलर मुझ पर ज़्यादा ही अच्छा लगने वाला है, तो मीशो सोच रहा है कि इसे पिंक कलर ही भेज देता हूँ। ये भी मुझे थोड़ा सा डिफरेंट कलर आ गया, और ये कोई बात नहीं है तो रिटर्न हो जाता है, इसका कोई इशू ही नहीं है। बट ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, क्योंकि ये मैंने नया ट्राई किया। मेरे पास ना कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक ही मतलब इसमें भी आपको कलर मिल जाएंगे, सन के कलर नहीं मिलेंगे, और अभी समय तक जो भी है ना इसमें सब में आपको कलर मिल जाएंगे। वो उसमें जो व्हाइट आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था ना, उसमें भी 2 से 3 कलर आपको मिल जाएंगे आसानी से। तो ये है एक शॉर्ट कुर्ती, ठीक है। आप इसमें देखो, उन्होंने गोटा पट्टी का वर्क दिया है ना यहाँ पे, और ये भी मतलब प्रिंटेड कुर्ती है एक, और काफ़ी लॉन्ग कुर्ती है, ऐसा भी नहीं है, शॉर्ट कुर्ती है। और लुक इसका पहनने के बाद कैसा लग रहा था वो स्क्रीन पर आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। मुझे बहुत प्यारी लगी, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था, और स्टाइल करने के बाद ना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये। एंड द लास्ट ऑफ द लिस्ट है ये थोड़ी बेबी पिंक कलर की कुर्ती, लेकिन इसमें जो फ्लावर बने हुए हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, और इसका कपड़ा इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना गाइस, सीरियसली पहनने के बाद इतना कम्फर्टेबल था ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये जो है ना थोड़ा सा लूज फिट रहा है काफ़ी, आपने वीडियो में भी देख लिया होगा, एम साइज मतलब इतना आ रहा है। तो अगर आपको मंगाना है तो आप एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं था, तो अगर आप थोड़े मुझसे ज़्यादा हेल्दी हो तो स्मॉल साइज मंगा लेना, आपके सही आ जाएगा। बाकी ये ओवरऑल लुक प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे बहुत ठीक लगा, इसका कपड़ा इतना ज़्यादा प्यारा है ना, बहुत ज़्यादा प्यारा लगा मुझे, और इसकी लेंथ भी काफ़ी है, और इन्होंने जो बीच में इसको बटन का वर्क दे रखा है ना, यहाँ पे बटन लगा रखे ना, इससे तो और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैंने इसको जीन्स के साथ, इन्हें सभी कुर्तियों को मैंने जीन्स के साथ वेयर किया था, ये कैसे भी आप पहन सकते हो। और नीचे से जो है ना ये देखो कट, नायरा कट वाला जो डिज़ाइन होता है ना उस तरह से इन्होंने कट लगाया हुआ है, और वैसे ये चौकुंडा नहीं है, गोल मतलब जो गोल वाले बहुत पहले ट्रेंडिंग में चले थे ना, तो उस तरह का इसका कुछ है, और मतलब स्क्रीन पे पहनने के बाद कुछ इस तरह का लग रहा था ये। मतलब सभी जो कुर्तियाँ मैंने मंगाई ना वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी पहनने के बाद। देखो क्या होता है कि हम जो है ना कोई भी चीज़ होती है ना, हमें नॉर्मल अगर थोड़ा सा हम रेडी शेडी होकर अगर किसी चीज़ को वेयर करते हैं ना, तो हम ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं, मतलब अच्छे तो लगते हैं और ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं। तो कोई भी चीज़ ना आप मंगाने से पहले ना मतलब ये मत सोचो कि मुझ पर अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, आप एक बार ट्राई तो करो, अच्छा नहीं लगना तो उसके बाद का काम है ना, तो आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मुझ पर अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो बस यही मैंने कुछ मतलब 5 से 6 कुर्तियाँ मंगाई थी, शॉर्ट कुर्तियाँ, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके थोड़ी सी शॉर्ट कुर्तियों के बारे में भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के, अपने सभी मतलब जो भी सर्कल में आपके सभी को शेयर भी कर देना इस वीडियो को। बस आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।